भगत टेक्नो आईडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और मैं आदित्य पंडित। आज हम लोग जेम पे टेंडर जो भी नए आ रहे हैं बेसिकली पहले के बीड के प्रोसेस के बारे में देखेंगे। बीओक्यू के बीड प्रोसेस जेम में कुछ इस टाइप के बीड्स आ रहे हैं जहाँ पे बीओक्यू बोल के लिखा रहा है कैटेगरी बीओक्यू कैटेगरी के बारे में। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बीच में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कस्टम बीड्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने बताया। अभी यहाँ पे जो नए बीड्स अभी आ रहे हैं बीओक्यू करके, तो बीओक्यू को बीड्स में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे बीओक्यू बीड्स के बारे में वो मैं आज हम लोग आज के वीडियोज में देखेंगे। तो बीओक्यू बीड्स में एक्चुअली कैसा है, ये टेंडर्स के प्रोसेस जैसा ही है, जैसे कि टेंडर्स में होता है बीओक्यू भरना होता है ऐसा ही आपको यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपके पास सबसे ज्यादा होता है कि जब आप प्रोडक्ट इन शॉर्ट आप यदि प्रोडक्ट का बिल्स भर रहे हैं तो क्या होता है कैटलॉग बनाना पड़ता है, या कस्टम में भी यदि आप बना रहे हैं तो भी आपको प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, सर्विसेज में भी करते हैं तो भी आपको प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बनाने पड़ते हैं, प्रोडक्ट्स के जो कैटलॉग है अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है, अप्रूवल होने के बाद ही आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं। यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है, आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जेम के पूरे पोर्टल्स के हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए रहेंगे, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट भी हमें कर सकते हैं। जैसे कि कैटलॉग्स के बारे में, परचेज एक्विजिशन, कोई भी कैटलॉग को कैसे अप्रूव करवा सकते हैं, कोई भी कैटलॉग्स को हम अप्रूव करा के दे सकते हैं, वेंडर असेसमेंट क्या होता है, रीसेलर पैनल क्या होता है, आपको टैक्स असेसमेंट कैसे करना है, जीएसटी अपडेट कैसा करना है, सेकेंडरी यूजर कैसे क्रिएट करने हैं, क्या रोल होता है सेकेंडरी यूजर का, बहुत सारे लोगों को परचेज एक्विजिशन के बारे में नहीं पता तो वो हम बताते हैं, डैशबोर्ड्स में कॉजन मनी के बारे में पता नहीं होता तो कॉजन मनी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो ट्रेनिंग में हमारा इंसॉर्ट पूरा सेलर और बायर, बायर का भी हम मैक्सिमम पार्ट कवर करते हैं, जैसे कि एलवन परचेज के बारे में, बायर्स में डायरेक्ट परचेज आपका कोई भी प्रोडक्ट आपका है या सर्विसेज आपका है तो आपको ऑर्डर कैसे मिलेगी, L1 से आप कैसे आपका ही प्रोडक्ट्स में लेके आ सकता हूँ, और बीड कैसे बनाते हैं, जैसे कस्टम बीड कैसे बनाते हैं, यदि आपके पास बायर के साथ आपका पहचान है तो आप किस तरीके से अपना ही टेंडर्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और आप खुद का टेंडर ले सकते हैं L1 के साथ, तो सभी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैटलॉग्स यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, बीड्स में जाएंगे, लिस्ट ऑफ बीड्स, यहाँ पे आपको कोई भी कैसा भी आप बीड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है सब कुछ, यहाँ पे आपको कोई भी कैटेगरी अपलोड करने की जरूरत नहीं, फिल्टर बाय बीड आर ए नंबर और यहाँ पे हम डाल देते हैं बीओक्यू। अभी ये नए टाइप्स के बीओक्यू टेंडर्स आ रहे हैं बीओक्यू, तो इसको हम लोग सर्च कर देंगे, बीड आइटम नंबर के जगह आइटम डालेंगे तो ये सर्च हो जाएगा हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे आइटम डाल दीजिए और सर्च कर दीजिए, आपको बीओक्यू के टाइप के टेंडर सभी मिल जाएंगे। अब जैसे ये बीओक्यू के टेंडर से देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा भरा नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पीएमओ का टेंडर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का। मैं आपको फ्रेश टेंडर दिखाता हूँ। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, इंडियन आर्मी का, 1 क्वांटिटी है बीओक्यू, आइटम्स क्या है इसका बीओक्यू, 22 तारीख है लास्ट डेट भरने का। तो आप इसको पहले टेंडर को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डाउनलोड हो जाता है, तो हम ये डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये बिड नंबर्स है और ये डिस्क्रिप्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पुराने वीडियो में डिस्कशन कर चुका है, कैसा रहता है ये आइटम बीओक्यू का है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ऑलरेडी हम लोगों ने भी ये पुराने वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ, कंप्लायंस स्पेसिफिकेशन वगैरह लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा ऐसा बताया हुआ है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है, एक्चुअली क्या आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करने हैं, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सभी चीजें यहाँ पे लिखा रहता है, तो आप यहाँ से व्यू फाइल करके देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिकेशन क्या क्या रहेगा, इसमें क्या क्या रहेंगे, टेंडर्स के लेटर्स क्या क्या है, टेंडर इन शॉर्ट जैसे कि आप टेंडर भरते हैं सेम आपको यहाँ पे ये सभी चीजें मिल जाती है, तो यहाँ पे सब डिटेल्स आपको मिल जाता है। बीओक्यू यदि देखेंगे हम इसका, तो मुझे इसका बीओक्यू भी मिल जाएगा, मैं यहाँ पे बीओक्यू से बीओक्यू डाउनलोड कर सकता हूँ, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो बीओक्यू डॉक्यूमेंट्स देखिए एक्सेल में फाइल फॉर्मेट होगा और इसको ही मुझे अपलोड करना, तो मैं बीओक्यू को ओपन करता हूँ,
ये आपके बीओबी है, इसके अकॉर्डिंगली अपना ग्रेड दे दिया है, जो मुझे इतने क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, ये कंसाइनी का ईमेल आईडी वगैरह दे दिया, ये जिप कोड है, इतने डिलीवरी पीरियड है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ये रेट डाल देंगे, यूनिट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस के साथ, टैक्सेस के इंक्लूसिव क्या रहेगा आपका रेट, जीएसटी कितना परसेंट रहेगा, मान लो 18% तो आप डाल दीजिए, हर एक का आपको ऐसा डाल देना है। यहाँ पे आपको सिंगल प्राइस का रेट डालना है, 12% मान लो जीएसटी है, तो मैं यहाँ पे एक डालता जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेंडमली रेट डाल दे रहा हूँ, 12% 12% 12% क्या मेरा जीएसटी रहेगा इस प्रोडक्ट का, तो मैंने यहाँ पे ये पूरा कर लिया। ब्रांड, यदि कोई ब्रांड है तो ब्रांड का नाम और मॉडल, कौन सा ये ब्रांड का है और इसका मॉडल क्या है, और एचएसएन कोड आपके पास अवेलेबल है तो आप एचएसएन कोड डाल सकते हैं। इस तरीके से हर एक का आपको फिल कर देने का, जैसे ही सीट फिल हो जाता है इसको आपको सेव कर देना है, सेव कर देंगे, बीओक्यू का नंबर याद रखिए 161822 बीओक्यू का नंबर है, क्लोज कर देता हूँ। अब इस टेंडर को कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे आते हैं पार्टिसिपेटेड, इसमें कोई भी टेंडर्स हो सकते हैं, नोटपैड का भी हो सकता है, कंप्यूटर का भी हो सकता है, कोई भी टेंडर्स इसके बीओक्यू में आ जाए, जैसे कि टेंडर मेरा पार्टिसिपेटेड, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आपने पहले डाउनलोड नहीं किया है, मैंने कर लिया इसलिए कंफर्म करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू। ऑफर प्राइस, अभी नेक्स्ट हमारा आएगा ऑफर प्राइस, ये ऑफर प्राइस है, ऑफर प्राइस में आपको क्या करना है, बीओक्यू को पिक करना है और डाल देना है, 161822 शायद आई थिंक हमारा बीओक्यू नंबर था ये वाला है, ओके, तो मैं इस बीओक्यू को अपलोड कर देता हूँ। जैसे अपलोड कर दिया ऑटोमेटिकली वो मुझे पूरा मेरा प्राइस बता दिया, तो टोटल हमारा कितने का बिडिंग अमाउंट है, ये इनक्रिप्टन से ओके। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया गया है स्पेसिंग कंप्लायंस के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, जो स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, तो मैं इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ, अपलोड हो गया। यदि आप एमएसएमई की कैटेगरी में हैं तो एमएसएमई के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, नहीं है तो नो कर दीजिए। एमएसएमई कैटेगरी में होने से बेनिफिट अपने को क्या मिलता है कि अपने को ईएमडी पे फीस नहीं भरना पड़ता। सेव, तो ये एमएसएमई का सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अपने को अपलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी में है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, नो करके आप जा सकते हैं, इससे क्या होगा आपको ईएमडी फीस भरना पड़ेगा। सेव, अपलोड हो गया, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली ईएमडी नहीं आया है, इसको आज सर्टिफाई करेंगे और वेरीफाई विद ओटीपी डाल देंगे, ये स्टैंडर्ड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हम इस तरीके के जीएम ई टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के रिगार्डिंग, जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसके रिगार्डिंग कोई भी है, इस तरह के रिलेटेड के वीडियो में हमेशा आपके सामने लेके आता हूँ। और यदि आपको ट्रेनिंग्स के इंटरेस्टेड हैं जीएम के ई टेंडर के या फिर गवर्नमेंट के कोई भी चीज़ों के, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए या डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। Thank you.